प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। यू कैन इजली फाइंड क्यूब रूट विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके लिए क्या है कि कोई संख्या हम ले लेते हैं जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है, उसको डिवाइड करते जाते हैं। वी हैव टू डिवाइड विद द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो, जैसे इसको मैंने इधर डाल दिया, 176,616। सबसे छोटी रकम से मैंने इसको डिवाइड करना शुरू किया 2 से, तो ये रफ वर्ग है, तो इसमें क्या है, 176,616 को 2 से डिवाइड करता हूं, 2 8 16, 1 5 2 7 14, 1 6, ये 16 पे पूरा गया, 8, ठीक है जी, ना जाने की 0, 16, ये 16 पे कट गया 8 के ऊपर, तो इसका आ गया 87,808। और फिर 2 पे डिवाइड करता हूं इसको, छोटे से छोटे संख्या से। देखो 87,808 है, इसको 2 के ऊपर डिवाइड किया, 2 चौके 8, 2 3 6, 1 ले लिया, 2 9 18, 18 0, ना जाने की 0, 8, 2 चौके 8, ये कट गया 43,904 आ गया। फिर 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं, वैसे ही यहां भी कर सकते हैं। देखो यहां हम कर लेते हैं 43,904 है को 2 से डिवाइड, 2 2 4, 3 1 पे, 9 पे, 1 10, 5 पे, ऊपर से 4 आ गया 2 पे, ये आ गया 21,952। अब फिर 2 पे डिवाइड करते हैं इसको, 2 के ऊपर 21,952 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, ना जाने की 0, क्योंकि 1 है ना, 2 बड़ा है, ना जा 19 ले लिया, ये 9 पे गया 18, 1 5 ये 7 के ऊपर गया 14, 1 2 ये 12 हुआ कट गया, 6 के ऊपर गया, तो 10,976 आ गया। फिर 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं 2 से इसको, इसको 2 से फिर डिवाइड करते हैं, 10,976 को 2 से डिवाइड किया, 2 5 10, 4 8, 1 7, ये फिर 8 के ऊपर गया, 16 1, फिर 6, फिर 16 के ऊपर गया 8 के ऊपर, तो यहाँ 5488 आ गया। ऐसे 2 के ऊपर फिर डिवाइड करते हैं, 2 2 4, 2 के ऊपर 7 4, और ये 4, फिर 2 के ऊपर डिवाइड करके देखते हैं, 1 2 3 6, 7 हो गया, ये 2 के ऊपर आ गया। अब इसको मिटाते हैं ताकि हम कुछ आगे कर सकें। ये 1372 है, इसको फिर 2 के ऊपर डिवाइड करके देखते हैं, 2 3 2 6 12, 6 के ऊपर, 2 8 16, फिर 6 के ऊपर ये 12, फिर 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं, 2 3 6 2 6 8, 2 3 6, अब ये 2 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, अब ये है 3 के ऊपर जाता है,
नहीं जाता, चार के ऊपर जाता नहीं जाता, पांच के ऊपर जाता नहीं जाता, छह के ऊपर जाता नहीं जाता, सात के ऊपर जाएगा। 343 है सात के, सात की 21 सात चौक 28, सत तो सात चौक सात चौक 28, सात में 35, सात चार पे 28, 14 में से 8 गए 6 और यहाँ 3 आ गया, 7 नया तो नहीं, ठीक है। ये 7 के ऊपर 49 आ गया, 49, ये 7 के ऊपर गया 1 आ गया, पूरा इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है अभी। तो इसमें से जुट निकालेंगे 3 में से 1, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2। देखो इसका एक जुट हो गया, नहीं दो जुट हो गया, 3 जुट बनेंगे। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और फिर 7 का एक जुट है। अब इन जुटों में से एक एक लेना है। अगर हमने क्यूब रूट निकालना है इसका, तो 2 इसमें से निकाल लिया, 2 इसमें से निकाल लिया, 2 इसमें से निकाल लिया, 7 इसमें से निकाल लिया, तो ये आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, तो इसका आंसर आ गया 56। इसका क्यूब रूट है 56। इसका एक रूट लिया, इसका एक रूट लिया, इसका एक रूट लिया और इसका एक रूट लिया। ओके, तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।